नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। यूपी और उत्तराखंड के बाद गोवा में भी कमल खिल गया है। मनोहर पर्रिकर ने गोवा विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। कुछ देर पहले ही दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने जीत का लड्डू खाया था और उधर पर्रिकर ने पीएम और बीजेपी की खुशी को दोगुना कर दिया। गोवा विधानसभा में मनोहर पर्रिकर के पक्ष में 22 वोट। मनोहर पर्रिकर चौथी बार गोवा के सीएम बने हैं। उधर दिल्ली में पीएम ने आज संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया, जहां लड्डू खिलाकर उनका शानदार स्वागत किया गया। तो गोवा विधानसभा में मनोहर पर्रिकर ने बड़े आराम से अपना बहुमत साबित कर दिया। पर्रिकर सरकार के पक्ष में 22 वोट पड़े, विपक्ष बहुमत सिद्ध हो जाएगा में 16 वोट पड़े और कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। विश्वास मत हासिल कर पर्रिकर ने कहा कि कांग्रेस के पास शुरू से ही आंकड़े नहीं थे। दिग्विजय सिंह ने झूठे दावे किए क्योंकि उनके इस्तीफे की मांग थी। डीबंकिंग द दिग्विजय्स क्लेम दैट दे हैव नंबर्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग दे डिड नॉट हैव नंबर एंड इट वाज ओनली हाइप पॉसिबली बिकॉज देर वाज अ डिमांड व्हिच वाज कमिंग दैट दिग्विजय स्टेप डाउन एज अ जनरल सेक्रेटरी एंड एज अ death in charge. This happens when you come to Goa only to enjoy, not to work. तो मनोहर पर्रिकर ने आज साबित कर दिया कि संख्या बल उन्हीं के पास है। और उधर जैसे कि हमने आपको बताया, आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हुई और इस बैठक में जैसे ही पीएम मोदी और अमित शाह पहुंचे, सभी सांसदों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी को तिरुपति बालाजी का लड्डू खिलाया गया। बैठक में भारत माता की जय के नारे भी लगे। फूलों से पीएम मोदी और अमित शाह का स्वागत किया गया। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक की सारी खबरें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। पीएम मोदी ने इस बैठक में बहुत बड़ी बातें कही। पीएम ने कहा कि पेड़ की जिस डाल पर फल ज्यादा होते हैं वो झुका रहता है और ये बात हम सबको याद रखनी चाहिए। पीएम मोदी ने ऐसा कहकर बीजेपी के सभी नेताओं को संकेत दिया कि जीत के बाद उन्हें संयम बरतना होगा, विनम्र होकर रहना होगा। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में क्या क्या बातें कही। जीत के बाद पीएम ने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। 6 से 14 अप्रैल तक उत्सव मनाएं, लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताएं, लोगों के बीच बताएं जाकर कि सरकार क्या क्या उनके लिए कर रही है। 14 अप्रैल से पूरे एक हफ्ते बाबा साहेब की जयंती पूरे देश में मनेगी। और पीएम ने यह बात भी कही कि मुंह के लाल का भी अभिनंदन जो चुनाव के दौरान चुप रहे, यानी कि जो पार्टी के जो बड़बोले नेता रहे हैं उन पर भी चुटकी ली प्रधानमंत्री मोदी ने। और काम करने वालों को जनता ने जिताया, इसलिए ना बैठूंगा और ना ही बैठने दूंगा, ये बात भी साफ तौर पर कह दी सांसदों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संसदीय दल को संबोधित किया। उस संबोधन में उन्होंने सबको धन्यवाद दिया, खास करके जनता को और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद और अथक परिश्रम को उन्होंने नमन किया। और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तिरुपति बालाजी का प्रसाद जी मीडिया को भी खिलाया। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार से बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये जीत का प्रसाद है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, तिरुपति का लड्डू बचा है प्रधानमंत्री स्वागत के लिए। देखिए माइक ऑन किया कि हमारे प्रभारी थे, हमारे माथुर साहब, इनको मैं खिला रहा हूँ जोरदार। ओ माथुर साहब, जिस तरह से रवि जी जिस तरह से लड्डू बटा है स्वागत हुआ है, ये स्वागत आगे भी चलते रहेगा, लखनऊ और देहरादून तक चलेगा। देखिए एक बात आप जान लीजिए, ये स्वागत है सर। हाँ देखिए हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि सारे सांसदों को तिरुपति का लड्डू मिला। ये हमारी सादगी और सरलता का परिचय है। हम जीत में भी विनम्र हैं, जनता के लिए, गरीबों के विकास के लिए काम करेंगे, यही हम सबों का संकल्प। प्रधानमंत्री जी भी लड्डू खाएं पूरा जी, और आप भी खाइए, लिखिए आपका भी अभी। तिरुपति का लड्डू सभी सांसदों को मिला। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।
और कल लोकसभा में भी बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया था। बीजेपी सांसदों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आज संसदीय दल की बैठक में भी पीएम मोदी के स्वागत के दौरान भारत माता की जय के नारे लगे। और इस बैठक के बाद जी न्यूज से बातचीत में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सीएम की रेस में नहीं है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार ने उनसे बात की। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, मौर्य साहब ये भारतीय जनता पार्टी संसदीय कार्यालय द्वारा तिरुपति से विशेष लड्डू मंगाया गया था, क्या प्रयोजन था, किस लिए? प्रयोजन साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने 4-1 की बढ़त प्राप्त की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह जीत अर्जित हुई है और 2019 के विजय की नींव स्थापित कर दी गई है। इसलिए मैं यह भगवान का जो तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद है वो आपके लिए भी लेकर के आया हूँ, आप लोग भी प्रसाद लीजिए। और 2019 अब हम लोगों का ध्यान 2019 में। लेकिन एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है राजनाथ सिंह द्वारा, क्या उस प्रस्ताव की खासियत क्या थी? प्रस्ताव भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उनके नेतृत्व के आधार पर इतनी ऐतिहासिक जीत के लिए, महाविजय के लिए, महाजीत के लिए बधाई देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए प्रस्ताव आया है, उसका संसदीय कार्य मंत्री जी देंगे उसका। मौर्य साहब आप उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जो ये कसमंजर चल रहा है लखनऊ में कौन, उन्होंने कहा कि मौर्य साहब तय करेंगे, आपने तय कर लिया और क्या उसमें आप खुद भी शामिल? भारतीय जनता पार्टी मेरे जिम्मे तय करने का काम आया है, आप सुन रहे हैं, उसके बाद मेरे जिम्मे तय करने का काम है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा एक तंत्र है उस तंत्र के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करके उस विषय को आगे। और ये बताइए कि क्या आप अपने आप को रूल आउट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार, मैं अपने कहां दौड़ में मान रहा था जो रूल आउट करने का विषय है। तो बंपर जीत तो जरूर हासिल हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पाया है। बहरहाल बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों से कहा कि कांग्रेस ने गलत बातें कहीं, गोवा और मणिपुर में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, 2019 के चुनाव बहुत अहम है, इसलिए कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें, विधानसभा चुनाव में हुई जीत को और भी आगे बढ़ाना है। और उधर केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने तिरुपति बालाजी के प्रसाद को जीत का आशीर्वाद बताया। जी मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि जीत से राष्ट्रवादी ताकतों को और मजबूती मिली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, आप देख सकते हैं कि आज संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी संसदीय कार्यालय द्वारा तिरुपति से विशेष लड्डू मंगाया गया था, ये इस लड्डू की क्या खासियत है? इस लड्डू में खासियत है कि भगवान का आशीर्वाद है बालाजी का और हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों को एक ताकत मिलेगा। और इस संसदीय दल के बैठक में प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, अमित शाह भी मौजूद थे, ये पूरा स्पेशल तौर पर सभी सांसदों के लाया गया था स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री का, किस रूप में पूरा देख रहे हैं? देखिए इसे एक प्रसाद के रूप में मैं देख रहा हूँ कि ईश्वर का प्रसाद मिलेगा, बालाजी का प्रसाद, और भारत में जो राष्ट्रवादी ताकत है वो एक नई ऊंचाई पर जाएगा, जो विश्व गुरु की कल्पना हमने की थी उस विश्व गुरु की कल्पना। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को क्या आशीर्वचन दिया? खूब आशीर्वाद दी, खूब धन्यवाद दिया, हमारे साथ जीत के लिए आप लोगों ने बधाई दी उनको? अरे बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा देश बधाई दे रहा है, हम लोगों ने भी दी। हमारे साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। क्या है? और वहीं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी संसदीय दल की बैठक में शामिल थे। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जीत हमारे लिए जश्न नहीं, आगे के लिए एक प्रेरणा है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। राठौड़ साहब, आज पीएम साहब का स्वागत हुआ, अमित शाह का स्वागत हुआ, तिरुपति का लड्डू बटा है, पूरा माहौल किस रूप में देखते हैं? पूरे देश को धन्यवाद दिया है और एक राह मिली है, पूरे देश ने हमें एक राह दी है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे पार्टी को जो राह दिखा रहे हैं, अमित शाह जी राह दिखा रहे हैं, उस राह पे और मजबूती के साथ चलना है, ये एक प्रण लिया है, ये प्रण आगे भी चलेगा। और क्योंकि सवाल यही है कि ये जश्न आगे कब तक होगा, लखनऊ और देहरादून कब पूरा हो जाएगा ये पूरा एक चक्र? ये जश्न कहाँ है, जश्न नहीं है ये, एक फिर से एक बार एक अपने आप से एक प्रेरणा ली है, एक प्रण लिया है कि आगे और मजबूती के साथ काम करना है। और ये जो सफ़र है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये अच्छे दिन का सफ़र है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला इस देश के लिए।